है गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनसीन एक्सप्लोर 1002। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और हमने जो है अपना जो स्कॉर्पियो एन के लिए अपन ने जो मैट्रेस बनवाया था वो अपन ने ले लिया है। और अब जो ऑनलाइन हमने सामान जो मंगाए थे करीब 9-10 हमने जो है कैंपिंग के ओवर लैंडिंग के हिसाब से चीज़ें परचेज करी थी ऑनलाइन। तो मैं आपको भी थोड़ी देर बताता हूँ कि मैट्रेस का सेटअप किस किस तरीके से किया जा सकता है। मतलब मैट्रेस जो है मैंने इस तरीके का बनवाया है कि आप उसकी लेंथ भी एडजस्ट कर सकते हो, अलग अलग तरीके से आप उसमें सो सकते हो। और जो भी और बाकी का सामान है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ मैं घर पहुँच के। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ अभी किस पोजिशन पर मैंने मैट्रेस को फोल्ड करके रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये इस पोजीशन में जो मेरी थर्ड रो है उसमें फिक्स आ चुका है। बाकी 5% अपन इसमें इजीली बैठ सकते हैं। सिर्फ लगेज वाला जो इशू रहेगा, अगर 5 जने जाते हैं और बेड साथ में रखना है तो बेड पे तो सो नहीं पाएंगे। इसलिए मोस्टली जो है सिर्फ अपन 2 पर्सन जब होंगे ट्रिप पे तो ये अपना मैट्रेस यूज़ करेंगे, अदरवाइज मैट्रेस यूज़ नहीं करेंगे, होटल लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से अनफोल्ड करने के बाद किस तरीके से इस पर अपन सो सकते हैं। तो सबसे पहले जो है अपने को ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट को फोल्ड करना पड़ेगा, और फोल्ड करने के बाद ये जितनी आगे जा सकती है इसको अपने को आगे खिसकाना पड़ेगा। उसके बाद जो है अपन पीछे वाली जो सीट है सेकेंड रो जो है इसको जो है अपन फोल्ड कर देंगे सिर्फ सिंगल, और उधर वाली भी अपन इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे अपन अपना जो है लगेज वगैरह रख सकते हैं जो भी सामान है, ताकि अपन जो है गद्दा अपना नीचे नहीं जाए। फिर भी अब इसको इस तरीके से अपन अनफोल्ड करते हैं। हेल्प लेनी पड़ेगी? नहीं नहीं लेनी पड़ेगी, हो जाएगा हो जाएगा। आप देखें जब अपनी थर्ड रो जो है अप रहेगी उस पोजीशन में अपने को हेडरेस को ऐसे रखना पड़ेगा। ये टोटल जो गद्दे की जो लेंथ मैंने जो बनवाई है वो मैंने बनवाई है 6.25 फीट यानी 75 इंच जो भी होता है, 6.25 फीट का पूरा मैट्रेस है ये। और इसको अपने 4 फोल्ड में बनवाया है, 3 फोल्ड तो इसके बिल्कुल इक्वल हैं, आई थिंक 22-23 इंच के आसपास का एक फोल्ड है, और लास्ट वाला जो फोल्ड है ये जो है 7 इंच का है। तो अपनी जो ड्राइवर सीट और को ड्राइवर सीट से जो लेंथ आ रही है थर्ड रो की वो आ रही है 5.8। तो 5.8 इंच का जो पर्सन है वो इस पर ईजिली सो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको इस पर लेट के बताता हूँ। और ये तो हो गया एक ऑप्शन कि आप इस तरीके से इसको फ्लैट करके सो सकते हैं। 5 फुट 8 इंच हाइट वाले जितने भी बंदे हैं वो ईजिली इसमें सो सकते हैं। ये हो गया पहला ऑप्शन, अब मैं इसमें सो के बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि रिलैक्स करने के हिसाब से, जैसे अपने को कुछ खाना है अंदर बैठ के, गाड़ी के अंदर बैठ के खाना है कुछ, या थोड़ी देर के रिलैक्स करना है, तो आप इस तरीके से इसको सोफे की तरह यूज़ कर सकते हो। और जब बेड की तरह यूज़ करना है तो आप इस तरीके से इसमें, खैर अभी तो इसकी लेबलिंग होगी क्योंकि जो भी हमारा सामान आएगा, जैसे एक टेबल वाला जो सेटअप होता है फोल्डिंग वाला, उसको हम यहाँ रख देंगे और इसको बिल्कुल फ्लैट कर देंगे जिस तरीके से बेड होता है। तो ये कुछ इस तरीके से अपन इस पे सो सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच और मैं इसमें इजीली सो रखा हूँ। देखो आप मेरे लेग भी देख सकते हैं कि मेरे सीट पर टच नहीं हो रहे, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन पे है। इस तरीके से मैं इसमें सो सकता हूँ। और जनरली अपन जैसे करवट लेके सो रहे हैं तो ईजिली आप सीधे भी सो सकते हो, 2 पर्सन खुल के चौड़े होके 2 पर्सन ईजिली इसमें सो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने हमारी स्कॉर्पियो इनको एक होटल रूम में कन्वर्ट कर दिया है। बाकी ह्यूमिडिटी बहुत भयंकर हो रही है, पसीने पसीने हो गए। बाकी ये हाइट आप देख सकते हैं इसके बाद, और जब मैं इस पोजीशन पे हूँ तो मेरा हेड बहुत इजीली मैं इसमें बैठ सकता हूँ। ये है, अब बताता हूँ मैं आपको सेकंड ऑप्शन। तो गाइस आप देख सकते हैं ये है इसकी दूसरी पोजीशन, जिसमें टोटल 6.25 फीट यानी 75 इंच का बेड पूरा खुला हुआ है। अभी ये थोड़ा सा आपको अनिवन लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसमें लगेज कैरी करेंगे तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा हमारे हिसाब से। इस वाली पोजीशन में अपने को जो है पिलो भी चाहिए। पिलो जरूरी है क्योंकि
जो अपना पिलो वाला जो पार्ट जो अपन ने बना रखा है इसमें अलग से, वो भी इस लेंथ को कवर कर रहा है। अब ज्यादा लंबाई वाला जो पर्सन है वो इसमें इजीली सो सकता है। और दूसरा इसमें ये है कि अपन आगे से कुछ भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अपन ने एक ऑनिंग भी ली है, त्रिपाल टाइप जो लिया है उसको अपन पीछे ही सेट करेंगे। वो 6x9 की लेंथ है, मैं आपको भी थोड़ी देर बताता हूँ वो क्या चीज है। तो अपन कहीं है, अपन ने पूरा सेटअप इसको गेट को बस ये पूरा यहाँ तक ही खुल रहा है, और पीछे से अपने को पूरा रखना है कि भाई अपन यहीं पे कैंपिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ बना रहे हैं और पीछे से आना जाना है। तो ये अपन ने अपने शूज ओपन किए, ये अपन यहाँ पे डिक्की पे ऐसे चढ़े, उसके बाद इस तरीके से इसमें आप जा सकते हैं। और आप अपना हेड रेस्ट किधर भी रख सकते हैं, अपना जो है इस तरीके से भी इसमें सो सकते हैं। ये लेवल हो जाएगा जब अपन लगेज कैरी करेंगे, तो अपना इसका पर्टिकुलर अपन स्लोप दे देंगे प्रॉपर तरीके से। और अगर उधर रखेंगे अपना सिर, ये अपने को इस वाली वे से अंदर आना है, तो ये इस तरीके से नीचे लगेज रख के और इसको हम बेड में कन्वर्ट कर लेंगे, और आप इस तरीके से इसमें सो सकते हो। तो ये देखो 5'11" मेरी हाइट है, और ना मैं इधर टच हो रहा हूँ ना मेरा उधर कहीं टच हो रहा है, ये देख सकते हो। तो ये हो गया सेकेंड ऑप्शन। तो गाइस, आधा लीटर पसीने निकालने के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस मैट्रेस की प्राइस। इसको हमने जो है 40 डेंसिटी वाली जो फॉर्म आती है उसमें बनवाया है, ताकि ये लाइफ लॉन्ग चले। और इसकी जो विड्थ हमने जो ली है वो ली है 54 इंच, और इसकी जो लेंथ हमने ली है वो ली है 75 इंच, और जो अपना सिर्फ जो तके वाला जो पिलो वाला जो पोर्शन है ये है अपना 7 इंच का। 7 इंच इसमें से निकालने के बाद ये बचता है शायद 68 इंच के आसपास का जो है, मतलब 5'8" के आसपास का ये लेंथ बचेगी। तो आप जिस तरीके से इसको यूज़ करना चाहो आप यूज़ कर सकते हो। और इसकी जो प्राइस है जो मुझे पड़ी है विद कवर, वो पड़ी है 8,400 रुपीज़ की, और इसको मैंने बनवाया है जगदीश एंटरप्राइजेस शॉपिंग सेंटर कोटा राजस्थान। तो गाइस, अब इसकी अनफोल्डिंग अपन ने कर दी। अब इसकी फोल्डिंग किस तरीके से होती, कितना आसान है, एक बंदा भी कर सकता है, वैसे हम यहाँ पे दो अवेलेबल है क्योंकि जनरली ट्रिप पे हम दो जने ही रहेंगे, और कितना आसान है वो बताता हूँ आपको। इसका जो ये वाला पार्ट है ये हमेशा थर्ड रो पे रहेगा ही रहेगा। अब अपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको यहाँ से उठाना है और ये हल्का सा धक्का दिया, उधर से धक्का दे और ये अपना थर्ड रो पे वापस चल गया। इतना आसान है इस बेड को जो है फोल्डिंग और अनफोल्डिंग, आपने देखा कितना आसान है। ये अपनी दोनों सीटें वापस सेकंड रो जो है ऊपर हो गई है, और इस गद्दे की जो मोटाई है वो हमने ली है 3 इंच में। गाइस, अब आप देख सकते हैं पीछे जब मेरा सामान रखा रहेगा तो मैं हमने ये रोप भी ली है इलास्टिक वाली, जिसके दोनों एजेस पे आपके क्लिप मिल जाएंगे, हुक मिल जाएंगे, और इस तरीके से आप इसको पैक कर सकते हैं ताकि जब भी अपन ड्राइव कर रहे होंगे तो सामान उछले नहीं या अपने उछल के आगे नहीं आ जाए सीट पे, ठीक है। दूसरा जो है, अपन ने अमेजन से एक ब्यूटेन स्टोव परचेज किया है, और मैं अभी थोड़ी देर में इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको बताता हूँ। तीसरा आइटम जो है, अपन ने ये ऑनिंग परचेज करी है वाटरप्रूफ त्रिपाल, ये है 6x9 की साइज, 6'9". इसको अपन अपने दोनों रूफ रेल्स पे बांध देंगे और सामने की तरफ जो है दोनों, या तो स्टैंड पे या फिर ये जो अपनी जो रोप्स हैं इनको अपन कहीं ना कहीं हुक कर देंगे, ठीक है, ताकि अगर धूप हुई तो उससे भी बचाव हो जाएगा, और बारिश हुई तो भी उससे बचाव हो जाएगा, और अपन यहाँ पे इजीली इस ऑनिंग के नीचे अपना खाना वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। तीसरी जो अपन ने जो चीज़ परचेज करी है, जैसे अपन कहीं जंगल में है तो अपने को लकड़ियाँ चाहिए कैंप फायर के लिए, बोन फायर के लिए, तो उसके हिसाब से ये एक मल्टी फंक्शन अपन ने किट मंगवाया है, जिसमें अपने को एक्स भी मिल जाएगी, हैमर भी मिल जाएगा, जैसे अपने को ऑनिंग या कैंपिंग के साथ कोई चीज़ गाड़नी है या ठोकनी है तो अपन हैमर की तरह यूज़ कर लेंगे। इसके अलावा इसको अपन एज अ वायर कटर, प्लायर अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अपना प्लायर हो गया, ये अपना वायर कटर हो गया, और जो इसके अंदर मल्टी टूल जो हैं वो हैं, ये कुछ भी जैसे लकड़ी को अपने को ऊपर की खाल निकालनी है वो हो गया, ये अपना कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपनर करने के हिसाब से दोनों ऑप्शन आ गए, एक स्क्रू ड्राइवर इसमें आपको मिल जाएगा, ये छोटी मोटी कोई लकड़ी है या कोई और चीज़ अपने को आरी की तरह फनर की तरह यूज़ में लेना है तो ये इसमें हो गया, और ये एक चाकू हो गया। चाकू खैर अपने पास दूसरा भी रहेगा नाइफ, लेकिन अगर कहीं अपने पास चाकू ले जाना भूल जाए तो ये हमेशा मेरी गाड़ी में पड़ा रहेगा,
जिसको भी मैंने अमेजन से परचेस किया है, और इन सब आइटम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ दूंगा। अगर आपको भी ये चीज अच्छी लगी और आपके काम की हो तो आप अमेजन से इसको मंगा सकते हैं। अगला आइटम जो है अपन ने जो ऑर्डर किया है, ये बहुत अच्छा टूल है और काफी हैंडी है। इसको शॉवल की तरह भी यूज कर सकते हैं अपन, और पहले इसको आप इस तरीके लूज करोगे तो इसको आप एज ए शॉवल भी यूज कर सकते हो। जैसे अपन कहीं मिट्टी खोदनी है आपको, जैसे कि अपन ने एक चेंजिंग रूम कम टॉयलेट रूम भी ऑर्डर कर रखा है, तो उस जगह ये यूजफुल रहेगा कि अपन ने मिट्टी खोदी और ठीक है हल्के हुए और वापस मिट्टी डाली, तो ये एज ए शॉवल, कहीं स्नो में फंस गई, सैंड में फंस गई, तो एक कॉम्पैक्ट शॉवल की तरह भी काम करेगा। इसके अलावा ये जो है अपने कोई चीज खोदनी है, हार्ड सरफेस है जहाँ शॉवल शुरू में नहीं जा रहा, तो अपन इस तरीके से इसको यूज करके खोद सकते हैं। अगला जो आइटम अपन ने परचेस किया है ऑनलाइन, वो किया है फोल्डिंग चेयर्स। दो अपन ने चेयर ऑर्डर करी है और ये इतना इजी है, बस ये आपकी होगी चेयर अनफोल्ड, और अब मैं आपको जो है बैठ के बताता हूँ कि इजीली इसमें एक ग्लास होल्डर भी मिल जाएगा आपको। अगला आइटम है अपना ये स्टूल, जो कि अपन इस तरीके से यूज में लेंगे। एक छोटा स्टूल हो गया, एक बड़ा स्टूल हो गया, और इस पर अपन ने ब्यूटेन सिलेंडर ब्यूटेन स्टोव को रखा इस तरीके से। अगर हवा चल रही होगी तो अपन इस तरीके से इसको शेड में यहाँ पे अपन यूज कर लेंगे। इसके बाद आते हैं इसके यूटेंसिल्स, सॉरी उससे पहले इसका आएगा कैन। इस कैन को अपन फिट करके बता देते हैं आपको, बहुत ईजी है। इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, ओपन होने के बाद अपने को ये सिलेंडर इस तरीके से रखना है, और ये वाला जो लीवर है ये हमेशा इस पोजीशन पे आएगा सामने से, ये गया इसमें, और हमेशा इसको इस वाली पोजीशन पे रखना है। उसके बाद जो है ये अपन ने क्लोज किया, और ये लॉक बटन है, ये सिलेंडर अब लॉक हो चुका है, और जब अपने को इसको फ्लेम देना है तो कुछ भी नहीं करना है, ये लिया, ये फ्लेम आप देख सकते हैं जलती हुई, और ये मीडियम मिनिमम दोनों हो रही है, ये देख सकते हैं। जब ऑफ करना हो तो ये, अब इसके आते हैं यूटेंसिल्स पे, जो अपन ने बहुत ही कॉम्पैक्ट मंगवाए हैं, ये आप देख सकते हैं जरा सी साइज है, जिसमें आप मैगी चाय कॉफ़ी और सब्जी भी बनाना चाहें तो सब्जी बना सकते हैं। सबसे पहला जो इसका सेट आता है, इसके अंदर एक नॉन स्टिक के लिए आपको वुडन का जो है स्पून मिल जाएगा, उसके बाद आपको एक प्लास्टिक का स्पून भी आ रहा है मिल जाएगा, इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं इसमें से कुछ भी बना के जब अपन सर्व करेंगे तब, और दो बाउल मिल जाएंगे, इसको क्लीनिंग करने के लिए कुशन मिल जाएगा, और ये है अपना मल्टीपर्पस। इस तरीके से इसको अपन यूज़ कर लेंगे, मैगी बनानी हो, कॉफ़ी बनानी हो, सब्जी बनानी हो, दो पर्सन के हिसाब से बहुत ईजीली अपन इसको बना सकते हैं। अगला जो है ये अपने पैन, फ्रायर पैन और तवा जो है की तरह अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आपको ऑमलेट बनाना है या और भी कुछ चीज़ फ्राई करनी है तो अपन इस पर कर सकते हैं, और आपको अगर जैसे चपाती भी सेकनी है तो चपाती भी बना के आप इस पर सेक सकते हो। है ऑनिंग जो है इस तरीके की रही, क्योंकि अभी मेरे पास इसके जो दो स्टैंड लगने हैं यहाँ पे और इस साइड का, वो अभी अमेजन से मैंने ऑर्डर किया हुआ है, वो आया नहीं है, और जो रॉप्स जो लगेंगी इसके दोनों साइडों पे यहाँ पे, वो भी अभी आई नहीं है, तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। मतलब ये अभी तो खैर यहाँ से लटक रहा है, अगर बरसात आती है या धूप होती है तो ये इस तरीके से गाड़ी की हाइट पे अपने प्रॉपर फिट हो जाएगा। दो तीन तीन तरफ से इसमें स्टैंड लगेंगे जिससे ये हाइट पे रह जाएगा। अब मैं बताता हूँ इनकी प्राइसिंग। सबसे पहले अपन बात करते हैं ब्यूटेन गैस स्टोव की। ये जो है मुझे 3300 का मिला है, जिसके साथ में फोर सिलेंडर 250 ग्राम ब्यूटेन वाले इसके साथ में आए हैं। अगला आइटम जो है यूटेंसिल्स का अपने को पड़ा है 1160 रुपीज़, 1160 रुपये का यूटेंसिल्स अपने को पड़े हैं। ऑनिंग जो है अपनी वाटरप्रूफ शेड जो है ये अपने को पड़ा है 2000 रुपीज़ का। जो अपना जो मल्टी फंक्शनल किट है ये अपने को पड़ा है 580 का। शोवल जो है वो अपने को पड़ा है 490 का।
जो चेयर्स है अपनी, ये चेयर्स पड़ी अपने को 990 रुपीज की पर पीस। इसके अलावा जो दो चीज़ें और आनी है, वो एक हमारा जो चेंजिंग रूम है ये आना बाकी है अभी, ये अपने को पड़ा है आई थिंक 1500 समथिंग रुपीज का। जब अपन रात को ओवरलैंडिंग करेंगे तो अपन ने सोलर चार्ज लाइट्स अपन ने ऑर्डर कर रखी है अमेजन से ही, वो अभी आई नहीं, दो चीज़ें नहीं आई हैं। याद रख सकते हैं इस तरीके की लाइट्स हैं जो अप एंड डाउन, मतलब इसमें बहुत साइड जो है रोशनी आपको मिलेगी, ऊपर भी फेंकेगी और नीचे भी फेंकेगी, तो आपको किसी भी पोजीशन में लगा लो तो आपके दोनों तरफ रोशनी रहेगी इस तरीके से। और ये अपने को जो प्राइस इसकी पड़ी है, पैक ऑफ टू पड़ा है 1679 रुपीज़ का। इन सभी आइटमों का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आपके काम की कोई चीज़ हो तो आप वहाँ से जाके परचेस कर सकते हैं। क्या गर्मी है। तो गाइज ये था मेरा इनिशियल ओवरलैंडिंग का सेटअप, और धीरे धीरे जब अपन जैसी जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो चीज़ अपन परचेस करते रहेंगे। फिलहाल जो है हम एक नियरेस्ट पॉइंट पे ओवरलैंडिंग कैंपिंग करके देखेंगे, रात को रुक के देखेंगे और कैसा लगता है। अगर कोई चीज़ की कमी लगी तो वो हम नेक्स्ट ट्रिप से पहले पहले उसको परचेस कर लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पे आपको कार ब्लॉग्स और ट्रेवल ब्लॉग्स दोनों देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।